मेरे सपने देखता हूँ, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। बदल चुका है, बिहार और मुंबई की पुलिस आमने सामने आ गई है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और जब तस्वीरें बोलती हैं तो किसी को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती है। हम इन तस्वीरों के जरिए सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की एक सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बिहार पुलिस कुछ कहना चाहती है, लेकिन मुंबई पुलिस है कि कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। बिहार पुलिस की टीम अब तक मुंबई में की गई छानबीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन मुंबई पुलिस को जैसे ही ये पता चला, बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस अपनी वैन में जबरन बिठा कर ले गई। ये क्या बात हुई? अगर मीडिया के सामने ही सुशांत केस के जांच अधिकारियों को नहीं बोलने दिया जा रहा, तो मुंबई पुलिस ने कैसे इस जांच को अंजाम दिया होगा, इसकी कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हुए, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। उद्धव ने कहा, राज्य की पुलिस बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने में सक्षम है। इस केस को ट्रांसफर किया जाना मुंबई पुलिस के लिए अपमानजनक होगा, क्योंकि वो योद्धाओं की तरह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं।